नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का, आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। यूपी के अंबेडकर नगर में जमीन के विवाद में युवक की गला काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने खुद को मकान में कैद कर लिया और भीड़ और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर ही पुलिस और हत्यारों में काफी देर तक मुठभेड़ हुई, जिसमें दो हत्यारों के पैर में गोली लगी। आक्रोशित भीड़ ने हत्यारोपियों को पुलिस गाड़ी से निकाल जमकर पिटाई कर दी। पुलिस और भीड़ ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। टांडा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ी भोजपुर चौराहे का है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर ग्राम ठिकवा निवासी अंकित यादव ट्रैक्टर ट्रॉली से पराली का भूसा लेकर जा रहा था। पकड़ी भोजपुर चौराहे पर राजेंद्र यादव से विवाद हो गया, जिसके बाद राजेंद्र यादव और उनके पुत्रों ने मिलकर अंकित यादव की काट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों में जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। अंकित यादव की हत्या की खबर फैलते ही वहां काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, लेकिन हत्यारों ने खुद को अपने मकान में बंद कर लिया। वारदात की सूचना पाकर एसपी आलोक प्रियदर्शी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। हत्यारों को लेकर जब पुलिस बाहर निकली तो आक्रोशित भीड़ ने हमला कर पुलिस गाड़ी से हत्यारों को निकाल लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान भीड़ और पुलिस ने एक दूसरे पर पथराव किया। पथराव में एक कांस्टेबल को भी चोट आई है। घंटे भर अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।